नहीं हो गया, हाँ हो गया है, साफ आ रहा है पूरा क्लियर हो गया। मैं अरुण कुमार रंजन आज आपको 12th क्लास में दो लेंस जुड़ी दूरी पर स्थित हूँ उनकी क्षमता कैसे निकाली जाती है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा है कि दो लेंस या दो से अधिक लेंस, बहुत सारे लेंस यदि समाक्षीय हो, एक ही अक्ष पर स्थित हो, यदि इसकी फोकस दूरी F1 हो, इसका F2 हो, इसका F3 हो, इसका F4 हो, यदि एक साथ बहुत सारे लेंस एक ही अक्ष पर अर्थात समाक्षीय सजा दिए जाएं, तो इन सब की क्षमताओं का जो संतुल्य क्षमता होता है P, इसको पहले हमने सिद्ध कर दिया है, या पहले से भली भांति जानते भी हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसा सबको पता है। बहुत सारे इतने सारे लेंस होंगे उनका क्रमशः हम लोग आगे जोड़ते चलेंगे, तो ऐसा सबको जानकारी है। हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ रहे हैं और इसके आगे चल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यदि दो लेंस बी दूरी पर स्थित हो तो उनकी समतुल्य क्षमता कितनी होगी, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके लिए व्यंजक निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जाने, एक लेंस यहाँ है और एक लेंस यहाँ है, दोनों समाक्षीय लेंस हैं, एक ही अक्ष पर स्थित है, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी डी है, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी d है, और हमें, और यह जो लेंस है इसका फोकस F1 है और यह जो लेंस है इसका फोकस F2 है, तो हमें इन लेंसों के प्रभाव से जो उत्पन्न एक समतुल्य लेंस होगा उसके पावर के लिए व्यंजक निकालना है, जो कि व्यंजक होता है P1 प्लस P2 माइनस d इंटू P1 इंटू बात सब लोग समझ रहे हैं, निश्चित रूप से आप हमारी बात समझ गए होंगे। हमें व्यंजक निकालना है, हमारे पास दो उत्तल लेंस हैं या दो लेंस हैं जिनके बीच की दूरी d है और यह लेंस समाक्षीय है, एक ही अक्ष पर स्थित है और इनके बीच की दूरी d है, तो इन दोनों लेंसों के प्रभाव से एक समतुल्य लेंस की उत्पत्ति होगी। उस लेंस की क्षमता को यदि हम P माने तो वह P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2 होगी, इसी का सत्यापन हमें करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक पूर्व से निर्धारित एक प्रमेय के बारे में जानकारी रखनी होगी, वह प्रमेय कुछ इस प्रकार से है, यह एक लेंस है, यह इसका अक्ष है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, बिंदु A पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से कोई रे निकलती है और यहां से यह अपवर्तित होती है और इधर मैं मुख अक्ष को काटती है। थोड़ा सा सोचेंगे, इस किरण को हमने आगे बढ़ाया या यहां से डाइवर्ट होती है, यहां से छुप जाती है, यहां जो कोण बन रहा है उसको हम एंगुलर डेविएशन हमने डेल्टा कहा, यह है एंगुलर डेविएशन, यहां हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां इसका इमेज बन रहा है, बिंदु बी पर इसका इमेज बन रहा है। फिर से ध्यान देंगे, अभी हम एक प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के लिए कि यदि किसी लेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो उससे कोई प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट हो रही हो, यहां से प्रकाश किरण आ रही है लेंस पे और लेंस से अपवर्तित होकर
माना कि यह कौन अल्फा है और यह कौन बीटा है। थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया यह इसका ऑप्टिकल सेंटर वो है और एक बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं पी। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे एक प्रकाश किरण निकल के लेंस प्राप्तित हो रही है और यहाँ से अपवर्तित होके मुखाक्षीण से बिंदु बी को काट रही है। वस्तु है ए पर, इसका प्रतिबिंब बन रहा है बी पर। यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी माइनस यू और यहाँ प्रतिबिंब दूरी प्लस वी, दूसरी तरफ अच्छी परिपाटी से। और हमने थोड़ा देर के लिए इस पीओ को हाइट माना, एच माना। एक कंडीशन यहाँ है त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए पी ए बी वाइस कौन है, इसका वाइस कौन है डेल्टा। पी ए बी त्रिभुज पी ए बी का वाइस कौन है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। हम एक व्यंजक, छोटा सा व्यंजक निकालने जा रहे हैं। इस व्यंजक के जरिए हम लोग दो लेंसों के बीच की दूरी डी है उसकी क्षमता के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक एप्लीकेशन, सबसे पहले एक एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए किसी लेंस में। किसी लेंस में अगर कोई वस्तु है उससे प्रकाश किरण इंसिडेंट हो रही है, आके लेंस पर रिफ्रैक्ट होके यहाँ जो एक्सिस है उसके बिंदु बी को काट रही है, तो ऐसे स्थिति में बिंदु ए पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बिंदु बी पर बन रहा है और हमें एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे पी ए बी। इसका एंगुलर डेविएशन डेल्टा है। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि डेल्टा पर स्कोन है, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एल बाई आर के हिसाब से एच बाई माइनस यू, एच बाई माइनस यू, और बीटा एल बाई आर के हिसाब से एच बाई प्लस यू, एच बाई प्लस भी, एच बाई प्लस भी। ऊपर से अगर हमने एच कॉमन ले लिया माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई भी, एच बड़ा में ला रहे हैं, डेल्टा बाई एच इज इक्वल टू वन बाई एफ, डेल्टा बाई एच इज इक्वल टू वन बाई एफ। इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं या सीधे डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ। इस सूत्र की मदद से हम व्यंजक निकालने जा रहे हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें व्यंजक निकालना है दो लेंस जिनके बीच की दूरी, दो लेंस हैं जिनके बीच की दूरी डी है, इनकी क्षम, इनके प्रभाव से उत्पन्न जो लेंस है उस लेंस की क्षमता के लिए व्यंजक निकालना है। और उस व्यंजक को निकालने के लिए हमें पूर्व से इस प्रमेय की जानकारी होनी चाहिए, इस फिजिकल मैटर की जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस में बिंदु ए पर है और उससे कोई प्रकाश किरण इंसिडेंट हो रही है और दर्पण के किसी बिंदु से रिफ्रैक्ट होके मेन जो एक्सिस है उसके किसी बिंदु बी को काट रही है जहाँ उसका इमेज बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या एक रिलेशन होगा डेविएशन एंगल और इसके फोकस के बीच, वही सबसे पहले हम निकालेंगे। तो इस चित्र को गौर से देखेंगे हम जरा, त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में निश्चित रूप से डेल्टा अल्फा और बीटा के लिए बहिष्कोण है, तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के जोगफल के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा या डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ एल बाई आर के फॉर्म में चल रहा है और एल है एच और आर यह है माइनस यू, एच बाई माइनस यू, और फिर यहाँ अगर हम बीटा देखते हैं तो फिर एल बाई आर के फॉर्म में चल रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू एच बाई प्लस भी। ऊपर से हमने एच कॉमन ले लिया तो यह हो जाएगा
माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी। और बहुत पहले से हम इस बात को जानते आ रहे हैं कि यह लेंस फॉर्मूला वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। एच इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, डेल्टा बाई एच इक्वल टू वन बाई एफ या डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ। और इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ फॉर्मूला का प्रयोग करके अब हम व्यंजक सिद्ध करने वाले हैं। तो सबके मन में यह बात आ गई, हम आगे बढ़े, सब लोगों ने समझ लिया होगा। रजनीकांत आपने समझ लिया है? यस सर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ, और हमें इससे एक व्यंजक निकालना है। दो लेंस हैं, एक लेंस यह है और एक लेंस यह है। दो लेंस हैं, इस लेंस का नाम हम एल1 मान लेते हैं और इस लेंस का नाम एल2 मान लेते हैं। दोनों लेंस समाक्षीयां हैं, एक ही अक्ष पर स्थित है, दोनों के लिए एक ही एच है। आइए ध्यान देते हैं, यहां हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हमने बिंदु ए पर एक ऑब्जेक्ट लिया, यहां ऑब्जेक्ट है, सब लोग इस बात को समझेंगे। और दो लेंस हैं जिनके बीच की दूरी डी है, जिनके बीच की दूरी डी है, और यहां से प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है और यहां से अपवर्तित होती है। प्रकाश किरण तो जाना चाहिए था इधर, आगे जाना चाहिए था। और यहां एक कोण बना, विचलन का कोण बना, एंगल ऑफ डेविएशन बना, जिसको हमने मान लिया डेल्टा वन। यदि यह लेंस नहीं होता, L2 नहीं होता, तो निश्चित रूप से इसका इमेज बिंदु B पर I1 के रूप में बनता, इसका प्रतिबिंब बिंदु B पर I1 के रूप में बनता। लेकिन बीच में लेंस आ जाने के कारण यह इसकी हम यहां से आभासी स्थिति दिखा ले रहे हैं, फिर प्रकाश किरण थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है, जाना चाहिए था इसमें इस रास्ते से, लेकिन यहां से यह रिफ्रैक्ट हो गई, अपवर्तित हो गई, और रियल में इसका इमेज बन रहा है आई पर। यहां फिर एक डेविएशन हुआ, डेल्टा टू हमने मान लिया, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ऐसा हमने बना दिया, और दोनों डेविएशन का यहाँ इक्विवेलेंट डेविएशन डेल्टा उत्पन्न होगा। डेल्टा टू है तो यह सम्मुख कोण है, तो यह भी डेल्टा टू हो जाएगा। एक बार पुनः हम लोग इसको जान लें। रजनीकांत समझ है, फोटो देख रहा है या सर, चित्र दिमाग में आ रहा है आपके? हाँ। दो लेंस है, एक लेंस है L1 और एक लेंस है L2, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है? D है, और इसका फोकस है F1। इसका फोकस होगा कहाँ? सबसे पहले हम लोग यह जान लें, इसका फोकस चूंकि रियल में यहाँ कटने वाला था, तो इसका फोकस हम यहाँ से ले लेते हैं। इसका अगर हम कुछ नाम देना चाहें, इसका नाम हम दे दे रहे हैं P1, और इसका नाम दे दे रहे हैं P2, और इसका फोकस होगा यहाँ I1 तक, F1 यहाँ से यहाँ तक है, यहां से P1 से लेकर I1 तक, P1 से लेकर I1 तक पहले का फोकस है, और दूसरे का फोकस यहां से यहां तक है, क्योंकि इसकी जो प्रकाश किरण है यहीं आके काट दे रही है, तो इसका फोकस यहां से यहां तक है F2। इसका फोकस यह है, फोकस दूरी यहां हो गया F2, और इसका फोकस दूरी हो गया यहां से यहां तक P1 I1 is equal to F1, और इसका फोकस दूरी हो गया P2 I is equal to F2। और तब हमें
इन दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव से रिजल्टेंट जो एक लेंस उत्पन्न होगा उसके पावर के लिए व्यंजक निकालना है, जो कि है थोड़ा सा कठिन, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। शायद आप हमारी बात समझ रहे होंगे। और अभी अभी हमने कुछ दिन पहले एक सूत्र की स्थापना की, वह सूत्र था डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ। डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ, जरा आप इस फोटो को गौर से देख लीजिए। इसमें एक डेविएशन पहले लेंस में L1 लेंस में, L1 लेंस में डेविएशन है डेल्टा 1। तो ऐसी स्थिति में डेविएशन डेल्टा 1 और इसके लिए हम हाइट मान लेते हैं H1, इसका हाइट H1 और यहां से जो यहां का हाइट है इसको हम मान लेते हैं H2। यहां से जो यहां का हाइट है H1 और यह जो हाइट है इसको हमने H2 मान लिया। L1 लेंस में चलते हैं। L1 लेंस पर हम इस फॉर्मूला का उपयोग करें डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ, ऐसी स्थिति में डेल्टा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा H1 बाई F1। इस हिसाब से हो जाएगा H1 बाई F1। अब चलते हैं, अब लेंस L2 में, अब लेंस L2 में गौर से देखेंगे। L2 को, L2 में डेविएशन है कितना बताइए? डेल्टा 2 इज इक्वल टू, इसका हाइट कितना है? H2। अब बट इसका फोकस, फोकल लेंथ कितना है? F2। H2 बाई F2। सब लोग हमारी बात समझ रहे हैं। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है बिंदु A पर, इससे एक प्रकाश किरण यहां से इंसिडेंट होती है लेंस पर और लेंस से यहां से रिफ्रैक्ट हो जा रही है। कितने डेविएशन एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है? डेल्टा 1 से। अगर बीच में यह लेंस नहीं होता तो यह रिफ्रैक्टेड रे सीधे I1 पर आती, लेकिन बीच में लेंस होने के कारण यह जो लाइट आ रही है इंसिडेंट हो रही है यहां से या फिर यहाँ डेल्टा 2 से डेविएट हो जाती है और डेविएट होके आई पर आती है, डेविएट होके आई पर आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में दोनों लेंसों के बीच की दूरी हमने डी मान लिया है। यह जो हाइट है आप देख रहे हैं इसका हम नाम कुछ यहाँ दे दे रहे हैं, इसका नाम हमने क्यू मान लिया है और इसका नाम हमने आर मान लिया है। तो जो हाइट है QP1 इसको हमने H1 मान लिया और एक जो हाइट है यहाँ पे RP2 इसको हमने H2 मान लिया। अभी अभी हमने एक व्यंजक सिद्ध किया हुआ था, डेविएशन इक्वल होता है हाइट ऑफ फोकस लेंथ, फोकल लेंथ के। तो H/F लिख सकते हैं। अगर हम इस L1 लेंस में आते हैं, अगर इस फॉर्मूला का हम यहाँ उपयोग करते हैं तो इसके लिए हाइट है H1 और इसके लिए इसका फोकल लेंथ है F1, सही है। इसका जहां यूज होगा हम निश्चित रूप से लिखेंगे। अगर आप भूल जाएंगे कि F1 है कौन तो शायद आप लिख सकते हैं यहां से P1 I1 आर्यन यहां दिख रहा है P1 I1 is equal to F1 और यहां से चाहे तो लिख सकते हैं P2 I is equal to F2 और P1 P2 is equal to D। डिफरेंस है दोनों लेंस के बीच की दूरी है। इतना सब लोग समझ चुके हैं, हमने समझा भी डेल्टा 1 is equal to H1 by F1, डेल्टा 2 is equal to H2 by F2 और P1 से लेकर I1 यह फोकस 1 है, फोकल लेंथ 1 है, F1 है और P2 से लेकर I फोकल लेंथ 2 है, F2 है और P1 से P2 तक जिसके बीच का डिफरेंस है वो है D है। P1 P2 is equal to D, सबके मन में आ रहा है। हम आगे बढ़े बढ़े रजनीकांत बताइए बढ़िए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके मन में होना चाहिए क्या क्या है ये
एक मैटर है यहाँ डेविएशन एंगल के बीच, जितने यहाँ तीनों जो डेविएशन एंगल है, रिजल्टेंट डेविएशन एंगल है डेल्टा, और एक डेविएशन है डेल्टा वन और दूसरा डेविएशन है डेल्टा टू, डेल्टा वन डेल्टा टू का रिजल्टेंट डेविएशन है डेल्टा, और एक त्रिभुज के अंदर ये बन रहा है जिसका बाह्य कोण है एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं इसको, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम यहाँ चलते हैं, जो हमारे ट्रायंगल दिख रहा है आपको क्यू पी वन आई वन, ट्रायंगल क्यू पी वन आई वन, क्यू पी वन आई वन, और एक ट्रायंगल यहाँ है आप देख रहे हैं आर पी टू आई वन, आर पी टू आई वन सिमिलर है, सिमिलर देन ट्रायंगल आर पी टू आई वन। क्यों सिमिलर है आपको ऐसे दिख रहा है कि यहाँ राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल, और यह जो एंगल है दोनों में कॉमन है, तो ऐसे स्थिति में दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स, उनकी जो भुजाएं हैं, उनका रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। तो हम यहाँ एक रेशियो लिखने जा रहे हैं क्यू पी वन, हम चाहे तो इसको इसके बाद लिख सकते हैं, लेकिन हम सीधे लिख रहे हैं इस त्रिभुज के लिए जो परपेंडिकुलर है और इसका जो बेस है, इसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, और इसके परपेंडिकुलर और इसके बेस का रेशियो, बोथ आर सेम, दोनों समान होंगे क्योंकि जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, और यह सिमिलरिटी का लॉ है अपना कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, दूसरे के बराबर होता है। तो निश्चित रूप से हो जाएगा क्यू पी वन, इसका जो बेस है पी वन आई वन, पी वन आई वन इज इक्वल टू इसका जो परपेंडिकुलर है आर पी टू, आर पी टू इज इक्वल टू पी टू आई वन, पी टू आई वन। अब यहां हम यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं क्यू पी वन, क्यू पी वन का वैल्यू है एच वन अपाय अपॉन पी वन आई वन, एफ वन इज इक्वल टू आर पी टू एच टू अपॉन पी टू आई वन, पी टू आई वन, पी टू आई वन, देखेंगे जरा गौर से देखेंगे पी टू आई वन, यह पी टू आई वन है, यानी हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एफ वन माइनस डी, एफ वन माइनस डी। क्या आप सब लोगों ने समझा ही होगा, निश्चित रूप से बहुत भारी नहीं है, हम दोनों ट्रायंगल को यहाँ टच कर रहा है, ले रहा है क्यू पी वन आई वन, क्यू पी वन आई वन, और एक ट्रायंगल हम यहाँ से लड़ रहा है आर पी टू आई वन, दोनों सिमिलर है, सिमिलरिटी का लॉ से यहाँ 90-90 कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी लॉ है कि इनके जो साइड्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ से हम ले रहे हैं इसका परपेंडिकुलर इसी का बेस, अब बटा परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि हमने लिखा है क्यू पी वन पी वन आई वन आर पी टू आर पी टू, और यहाँ से हमने लिख दिया पी टू आई वन, सही है वैल्यू भर दिया एच वन बाई एफ वन एच टू बाई, और यह जो है पी टू आई टू इसको हम लिख सकते हैं एफ एफ माइनस डी। चलिए आप लोग उतार लिया, थोड़ा सा आगे बढ़े, अब यहाँ से हमारे पास उतार लिया आपने, चलिए देखते हैं हमें H2 का वैल्यू यहाँ से चाहिए, आइए क्रॉस कर लेते हैं F1 H2, F1 H2 is equal to H1 F1 minus D, H1 F1 minus D, ऐसे स्थिति में H2 is equal to H1
एफ वन माइनस बी बटा एफ वन हो जाएगा, सही है, यहाँ गुना में तो भाग में आ गया, फोटो में मिटा दे रहे हैं, सबके पास तो है फोटो, इक्वेशन भी है सबके पास, आइए देखते हैं हम एस टू का मान हमने निकाल लिया। हमने एक इक्वेशन लिखा था डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा बराबर है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के, क्योंकि अभी अभी हमने जो फोटो बनाया था उस फोटो में हमने आपको दिखाया यहाँ से कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, रे जाती है ऐसे चली जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, यहाँ बना डेल्टा वन, अगर यह लेंस नहीं होता तो लाइट यहाँ आती, लेकिन इस लेंस के होने के कारण यहाँ से